योगी सरकार की वापसी के बाद माफियाओं पर कार्यवाही तेज हो गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाहजमा उर्फ नैयर पर बड़ी कार्यवाही हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रशासन ने उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने 1,85,67,000 रुपए का 2 मंजिला मकान कुर्क करने का आदेश जारी किया। फिलहाल वो जेल में बंद है। शाहजमा की संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है। बिलऊ और मोहम्मदपुर फेटी में संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबी शाहजमा की 2 मकानों को कुर्क किया जा चुका है। पुलिस द्वारा कुर्क किए गए इन मकानों का बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए था। जिले के SP अनुराग आर्या के अनुसार शाहजमा उर्फ नैयर अपराध की दुनिया में साल 1990 से सक्रिय है। वो मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे गंभीर अपराध में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार उसने लोगों को डरा धमका कर काफी संपत्तियां अर्जित की थी। आपको बता दें, योगी सरकार आने के बाद से ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्यवाही तेज हुई। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। बीते दिनों उन्हें एक मामले में पेशी के लिए लखनऊ लाया गया। मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी योगी सरकार अक्सर अपना शिकंजा कसती रहती है और अब उनके करीबियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।